हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुखवंत सिंह, आपा करांगे 10वीं क्लास की पंजाबी किताब। 10वीं क्लास की पंजाबी की किताब के विच आपा जिहड़ा दूजा पार्ट है निबंध वो शुरू कर रखे सी। निबंध भी आपा दो लेसन कर रहे सी। तीजा लेसन शुरू कर जा रहे हाँ फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह शुरू कर जा रहे हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जो कि सर्वोत्तम एथलीट है, ये निबंधकार ये जो निबंध है ये निबंधकार ने पंजाब के सर्वोत्तम एथलीट मिल्खा सिंह के जीवन नाल संबंधित ते उन्होंने प्राप्तियां की गल की है। ये जड़ा अपना मिल्खा सिंह लैसन है पाठ है ये स्वर्ण सिंह की रचना है। उन्होंने ये रचना मिल्खा सिंह ने जो अपनी जिंदगी दे विच प्राप्तियां हासिल कीतियां जो उन्होंने उपलब्धियां जो उन्होंने मल्ला मारियां उन्होंने गल कर रहे हैं। तो आप इस पाठ को पॉइंटा के आधार पर समझांगे। जिवें पहला पॉइंट है सर्वोत्तम एथलीट। मिल्खा सिंह को सर्वोत्तम एथलीट मनिया जाता है। कोई उन्होंने वाह बदौला, कोई उन्होंने दौड़ता पातशाह, तो कोई उन्होंने उड़ना सिख कहता है। मिल्खा सिंह को उपनामा के नाल इन्हां नाल जाणिया जाता है, जिमें वाह बदौला, दौड़ता पातशाह, कोई उन्होंने उड़ना सिख। मिल्खा सिंह ने अपने 34 साल के रिकॉर्ड के जिमें 200 मीटर तो 400 मीटर की दौड़ा मिल्खा सिंह ने 200 मीटर 400 मीटर दियां दौड़ां जिहड़े रिकॉर्ड कायम कीते सी वो अज भी कायम है। तो अज भी वो नौजवानों को कह रहे हैं आओ तो इस रिकॉर्ड को मात पाओ, इस रिकॉर्ड को तोड़ के विखाओ। जिहड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगा उन्हों हज़ारों रुपए इनाम देवेगा। ये पहला बिंदु अपना सर्वोत्तम अथलीट जिहदे विच मिल्खा सिंह नूं दौड़दा पातशाह उड़ना सिख वावरवा के नाल जाने जाता है। हुण आपां दूजी गल करांगे। दूजा बिंदु है ये निबंध आपां पॉइंटा के आधार पर समझांगे। मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह ये हैडिंग है। भाव मिल्खा सिंह किवें हैडिंग लाई कि जदों मिल्खा सिंह ने 70 देशों के दौड़ों च भाग लिया, उन्हें 82 चो 79 दौड़ों के जित प्राप्त की, तो सारे देशों के मिल्खा सिंह जिहड़ा मिल्खा सिंह का शरीर से पतला से 5 फुट 6 इंच का कद सी ते केसधारी सी, तां सब नूं देख के आश्चर्य लगता सी कि यह पादरी है या कोई संत महात्मा है, क्योंकि उन्हें सिर ते जूड़ा होण करके कोई उन्हों जूड़े वाला सी। इस तरह उपनावा नाल दा उन्हों जाने जाता सी। मिल्खा सिंह किवें हुए क्योंकि उन्होंने 70 देशों के दौड़िया, उन्होंने दौड़ों के उन्होंने जी जित प्राप्त की 82 दौड़ा उन्होंने लिया, 82 दौड़ा उन्होंने हुई, 82 चो 79 चो उन्होंने जित प्राप्त की। उस तो बाद है उन्होंने बचपन। तीजा बिंदु अपना बचपन मिल्खा सिंह के बचपन की कोई तरीक या उन्होंने जन्म की तरीक कोई आपको पक्की नहीं मिलती। एक उन्होंने अनुमान है जो कि उन्होंने पासपोर्ट के उत्ते लिखा हुआ है 20 सितंबर 1935 जो कि उन्होंने जो पासपोर्ट बनया हुआ है सिर्फ उसके आधार पर आप कह सकते हैं। कोई जन्म प्रमाण पत्र या कोई ठोस अपन सबूत नहीं। ये भी अपना जो विचार है विद्वान उन्होंने कहना है कि उन्होंने जो पासपोर्ट के उत्ते जो तरीक लिखी है 20 सितंबर 1935 लिखी हुई है। इन्होंने जो बचपन से वो पाकिस्तान के पिंड गोविंदगढ़ के उत्थे बीतिया। इन्होंने दो भरा इन्हें भैन भरा जो पाकिस्तान रहते थे कुछ जड़े एक माँ प्यो तो भैं जो देश की वंड हुई वो उत्थे मारे गए। एक जी वी भैन सी वो दिल्ली विहाई हुई सी, एक वड्डा भरा वो फौज में भर्ती सी। तो यह अपना तीजा बिंदु
बचपन। चौथा है फोर्ड। 1952 के विच मिल्खा सिंह भारतीय फौज के विच भर्ती होया। 1953 के विच फोर्ड फौज के विच खेडां होईयां। मिल्खा सिंह ने फौज दीयां दौड़ां दे विच भाग लिया। भाग लैण ते मिल्खा सिंह 6वें नंबर ते आया। जदों मिल्खा सिंह दे उस्ताद ने उन्हूं कहा कि पहला मिल्खा सिंह ने पूछा कि 400 मीटर किन्ना हुंदा है, क्योंकि मिल्खा सिंह नूं पता नहीं सी कि 400 मीटर दा घेरा किन्ना है। उहदे उस्ताद उहदे जिहड़े आपां जिहनूं अज दे समें कहिंदे पीटीए उस्ताद ने दस्सिया कि इह जो गोला तैनूं दिस रिहा है इह 400 मीटर दा है। तां उह कहिंदा मैं इह जे 10 जिहड़े 400 मीटर दे मैं राउंड ला सकदा। तां उन्होंने कहा कि तूं इस तरह करना है कि 10 दा जोर एक दे विच ही ला लैणा है, तू 10 गेड़े कढ़ण दी थां ते एक गेड़ा कढ़ना है, वह गेड़े दे विच 10 जन गेड़िया जिन्ना जोर ला दी। उन्हें इस तरह ही किया। दोबारा फिर फौजा जी फौज के टूरनामेंट शुरू हुए तो मिल्खा सिंह ने मेहनत की। उन्हें एक 400 मीटर के ट्रैक के उत्ते 10 चक्कर के बराबर जोर ला दिता तो वह पहले नंबर पर आ गया। फिर वो रात को भजदा दिने भजदा, जदों उहदे साथी सो जांदे सी उदों भी रात को सड़कां ते भज्जन जांदा, भज के थक के हार के टुट के जदों जमा सिरे तों टुट जांदा उदों अपने तंबू च अपने कैंप जाके सो जांदा। उन्ना चिर वो अपनी मेहनत करता रहिंदा सी। उस तों बाद है जी इसने तीजियां एशियाई खेडां, पंजवां है तीजियां खेडा। यह हौसला बढ़ गया जदों जित प्राप्त हुई। जदों पहली बार इन्हें भाग लिता तो 6वें नंबर पर आया। फिर ये उस्ताद ने जदों समझाया उस दिन हौसला होया। हौसला होते अपने फौज के जो टूरनामेंट होए तो वे पहले नंबर पर आया। पहले नंबर पर आने होर हौसला हो गया। होर हौसला होने के नाल इसने उन्हें भाग लिता। भाग लैके जो तीजी एशियन खेडा हुई जो अपने देश की तीजी एशियन खेडा 1958 तीजी एशियन खेडा टोक्यो दे विच हुई, जिदे विच मिल्खा सिंह नूं सब तो तकड़ा एथलीट मन्या गया। इसने इत्थे 200 मीटर 400 मीटर के नवे रिकॉर्ड कायम किए। भी जोड़े पहला रिकॉर्ड से वो कुछ वक्त समय के सीने अपने नवे रिकॉर्ड पैदा किए। भाव अपना नवा प्रभाव उत्तर पाया। जिड़े इस तो पहला ने भी दौड़ लाई सी पर जो मिल्खा सिंह ने लाई वह जो समा से वो उन्होंने घट से। फिर उस तो बाद मिल्खा सिंह ने कॉमनवैल्थ खेडों में भाग लिया। 6वां बिंदु है कॉमन वैल खेडा च। मिल्खा सिंह ने कॉमनवैल्थ खेडा में भाग लिया। कॉमनवैल्थ दी जिहड़ी खेडा सी बरतानिया विच हुई। बरतानिया की जिहड़ी शहजादी सी जदों मिल्खा सिंह ट्रैक ते दौड़ रहा सी तां उहनूं आप देखण आए, क्योंकि मिल्खा सिंह की रफ्तार जिहड़ी उहदी दौड़ सी बहुत तेज भजदा सी। देखने वाले इस तरह लगता कि जिवें वाह गुरू अपने अखां दे मूहरों दी लग गया होवे। तां जिहड़ी बरतानिया की मलका सी शहजादी ऐना बग्गी रुकवा के मिल्खा सिंह नूं आप मिलन आई सी उहदियां उपलब्धियां दे कारण। इह सी अपणियां 7 मिल्खा सिंह दीआं उपलब्धियां। फिर है फलाइंग सिख। हुण आपां गल करदे हां फलाइंग सिख। जदों तीजियां एशियन खेडां होईयां सी जदों उहने नवें रिकॉर्ड बनाए सी तो उहने पाकिस्तान दा जिहड़ा अथलीट सीगा अब्दुल खालिक तीजियां एशियन खेडां दे विच अब्दुल खालिक नूं उहने हरा के नवें रिकॉर्ड पैदा कीते सी। तां जापान दे शहनशाह ने उसनूं इनाम नाल नवाजिया ते उस तों बाद अगले दिन अखबारों के जुड़े वाले सरदार दियाँ
सारे पास मिल्खा सिंह दीआं तस्वीरां छपन लग पईआं। सारे संसार दे विच मिल्खा सिंह दे चर्चे होण लग पए। फिर उस तों बाद है मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह नूं कहा फलाइंग सिख, फलाइंग फलाइंग सिख, फलाइंग सिख। मिल्खा सिंह नूं फलाइंग सिख क्यों कहा? जदों पाक हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दे विचकार जदों दौड़ां हो रही सन तां उदों जिहड़ा मिल्खा सिंह ने उन्हां दौड़ां दा फासला भज के नहीं उड के पूरा किया। उतों के जिहड़ा अनाउंसर सी, अनाउंसर ने एक घोषणा की कि मिल्खा सिंह ने यह जो दौड़ा है भज के नहीं उड के ने हासिल कीतियां है। तो उस दिन तो मिल्खा सिंह नूं उडना सिख के नाम नाल जाणिया लग पिया। उस तो बाद जदों ने यह उपलब्धि हासिल की फिर भारत सरकार ने इहनूं पद्म श्री आभूषण दिता ते अमरीका दे हेलमस ट्रॉफी नाल इहनूं सन्मानिया गया। इस अपना अगला बिंदु इस तो आप देखे पहला मिल्खा सिंह जी आप फलाइंग सिख भी कहा है। हुण है 1960 दियां ओलंपिक खेडां, 1960 दियां ओलंपिक खेडां। 1960 दे विच रूस दे विच जिहड़ियां ओलंपिक खेडां होईयां, ओलंपिक खेडां दे विच 400 मीटर दा रिकॉर्ड इहने 400 मीटर दा रिकॉर्ड 45.9 सकिंटां च 45.9 सकिंटां दे विच पूरा कीता। जिहड़ा 400 मीटर दा नवां रिकॉर्ड सी इहने जिहड़ा 45.9 सकिंटां च, ते 200 मीटर दा जिहड़ा रिकॉर्ड सी ओह 20 सकिंटां विच इहने बनाया। इन्होंने उस तो बाद 20 सकिंटां विच रोम ते जर्मनी तो बाद इन्होंने विश्व चैंपियन काफमैन, जिहड़ा विश्व चैंपियन सी काफमैन नूं हराया, जो कि विश्व चैंपियन सी उसनूं हराया। उस तो बाद 400 मीटर की दौड़ 45.9 सकिंटां दे विच, ते 200 मीटर की दौड़ है वह 20 सकिंटां दे विच इन्होंने पूरी की। फिर उस तो बाद इन्होंने 400 मीटर दौड़ा तो बाद फाइनल विच पहुँच गए। फाइनल विच पहुँचन ते जदों दौड़ शुरू हुई तां मिल्खा सिंह ने शुरुआत विच 200 मीटर दे विच बहुत ज़्यादा जोर लाया। इन्नी रफ्तार सी कि मिल्खा सिंह नूं महसूस होया कि वह बहुत ही तेज, बहुत ही वध हद तक पहुँच गया है। तां उसने अपनी रफ्तार नूं घट करना चाहिया। इस तरह होया जिवें आपां भज्जी जांदी गड्डी दा गेयर कढ दईए। उस तो बाद जदों ने ये गल सोची तां जिहड़ा उहदी 400 मीटर दा दौड़दा है दौड़ां हो रहीआं सन वह उहनां दे विच्चों पिछड़ गया, उहदा जिहड़ा स्थान है पहली थां ते खिसक के वह मगर नूं आ गया। उस दौड़ दा उहनूं सारी उम्र पछतावा रहा। उह दौड़ां दे विच्चों चौथे नंबर ते आया, कारण सिर्फ एक छोटी जी गलती कारण जदों 200 मीटर दी उहने दौड़ 400 मीटर ला रहे सी उन्हें अद्धी दौड़ पार कर ली, तो देखा मैं बहुत खतरनाक हद तक भज रहा हाँ। वो कुछ स्लो होना चाह रहा सी, कुछ मैं स्लो हो जा धीरे हो जा, वो इस तरह होया कि जिवें आपां भज्जी जांदी गड्डी दा गेयर कढ दईए। तो उस तरह का उस पछतावा उन्हें सारी उम्र रहा, उस सारी उम्र वो चीज़ महसूस होती रही, वो पछतावा होता रहा, निराशता। अगला बिंदु है निराशता। निराशता किवें कि जदों वो ओलंपिक खेडां होईया सन उहदे विच उसने रोम दे दौड़ां दे विच
उन्हें अपना पूरा तन मन पूरा तान लाता सी पूरा जोर लाता सी उस जितने वास्ते वह दौड़ा द्रौपदी दौड़ा जितने वास्ते जदों कई बार किसी दौड़ा लाता लाता बेहोश भी हो जाता सी इन्ना उसकी जी रफ्तार तेज सी तो उन्होंने इन्नी मेहनत करने के बाद जब उपलब्धि हासिल नहीं हुई उस जित नहीं सकिया तो वह मन की हो गया निराश हो गया। फिर सी बूट किली उत्ते टंगने बूट किली उत्ते टंगने जेडे बूट है उन्होंने की किया किली उत्ते टंग दिता कदों जदों उन्होंने जी रूस दिया खेडा हुई वो चौथे नंबर पर आए। फिर उस तो बाद उन्होंने 1952 के जकार्ता दियाँ जी ओलंपिक खेडा हुई 1952 के जिहड़े जकार्ता दे विच ओलंपिक खेडां होईयां फिर टोकियो टोकियो च तीजी बार दौड़ नूं उन्होंने अलविदा कहता। उस तो बाद जिहड़े टोकियो दे विच उन्होंने जकार्ता जो कि टोकियो दे विच 1964 दे विच तीजी बार ओलंपिक खेडां विच भाग लैण तो बाद 1964 विच तीजी बार जदों उन्होंने ओलंपिक खेडां विच भाग लिया उस तो बाद उन्होंने दौड़ नूं अलविदा कहता। तो वह कहते हैं आओ जवानों कोई निंदर के विखाओ जिहड़े उन्होंने बूट है अज भी वह जवानों कह रहे हैं कि तुसी जोश दिखाओ हिम्मत दिखाओ उन ललकार रहे हैं। लास्ट है अपना ये बिंदु खेड विभाग डायरेक्टर खेड विभाग डायरेक्टर जदों मिल्खा सिंह फौज में भर्ती हुए पहला वो जमादारी के अहुदे ते सी बाद पंजाब सरकार ने उन्हों उप डायरेक्टर फिर बाद डायरेक्टर बना दिता। उस तो बाद रिटायर होकर अपने घर रह रहे हैं। ये अपना मिल्खा सिंह दियाँ उपलब्धियाँ उन्होंने देश के योगदान देश के उन्होंने जो उन्होंने नाम कमाया अपने देश का विदेशों के उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल कीतियां मल्ला मारिया ये अपना तीजा पार्ट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। इस तो बाद आप देखते हैं प्रश्न पहला प्रश्न है मिल्खा सिंह नो केड़े उप नामा नाल जानिया जाता है। तो आप शुरू से गल की कि मिल्खा सिंह को कोई उडना सिख कोई वार रोला तो कोई दौड़ता बादशाह के उपनामा नाल जानता है। तो पहला प्रश्न अपना सी मिल्खा सिंह को किहड़े किहड़े उपनामा नाल जाना जाता है या उन्हें किहड़े किहड़े उपनाम दिते गए हैं। कोई कहता है दौड़ता बादशाह कोई वार रोला तो कोई कहता है उडना सिख। दूजा प्रश्न है मिल्खा सिंह एशिया का बेस्ट एथलीट कदों बनया मिल्खा सिंह एशिया का बेस्ट
3 कदों बनया। मिल्खा सिंह एशिया का बेस्ट एथलीट कदों बनया? 1958 दियां टोक्यो के 1958 दियां जो ओलंपिक खेडां होईयां सन उदों उसने पाकिस्तान के जिहड़े दौड़ाक से अब्दुल खालिक को हरा के जिहड़े नवे रिकॉर्ड नवे उपलब्धियां उन्हें हासिल कीतियां सी उस तो बाद उसनूं बेस्ट एथलीट कहा जाण लग पिया क्योंकि वह पहला जिहड़ा पाकिस्तान का दौड़ाक सी पहला वो बेस्ट एथलीट सी। उस तो बाद जो मिल्खा सिंह ने रिकॉर्ड उन्हें तोड़िया उस तो बाद मिल्खा सिंह नूं बेस्ट एथलीट के नाम नाल जाणिया लग पिया। तो जो ये उतों जितया तो जापान के जिहड़े शहनशाह सी उन्होंने इन्हें सम्मान नाल नवाजिया। अगले दिन अखबार के विच जुड़े वाले सरदार दीआं फोटोआं छपियां सारे संसार के विच मिल्खा सिंह होण लग पई। ये अपना दूजा प्रश्न। तीजा है मिल्खा सिंह का परिवार पिछोकड़ की है? मिल्खा सिंह का परिवार पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले के गोबिंदगढ़ विच रहिंदा सी गोबिंदपुरे दे विच रहिंदा सी। देश की आज़ादी समय जो वो माँ प्यो जो देश की अपनी वंड हुई सी पाकिस्तान जिहड़े परिवार रहिंदे सी हिंदू सिख हिंदुस्तान जा रहे सी हिंदुस्तान च जिहड़े मुसलमान सी वो पाकिस्तान जा रहे सी जो देश की वंड समय उदों उन्होंने जिहड़े माँ प्यो वो गुजर गए ते उन्हां दा जिहड़ी वड्डी भैण सी वो दिल्ली व्याही हुई सी एक उहदा भरा सी जो कि फौज विच भर्ती सी बाकी परिवार होर देश की वंड समय नहीं सी रहा। एक मिल्खा सिंह सी एक उहदी वड्डी भैण ते एक उहदा वड्डा भरा जो कि फौज विच भर्ती सी ते सिर्फ 3 ही बच्चे सन बाकी उस वंड समय वो गुजर चुके सन या मर चुके सन। अगला है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किवें दी गई? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किवें दित्ती किस कारण दित्ती सी? जदों पाक इंडो दे जदों चल रहे से टूरनामेंट उस समय जदों मिल्खा सिंह ने दौड़ दे अखीर दे पलां दे विच दौड़ तों भज के नहीं उड के जित प्राप्त कीती तां पाकिस्तान दे अनाउंसर ने कहा मिल्खा सिंह ने यह दौड़ भज के नहीं उड के प्राप्त की है। उस दिन तो बाद मिल्खा सिंह नूं उडना सिख कहा जाण लग पिया या फ्लाइंग सिख उडना सिख के नाम नाल जाणिया जाण लग पिया। यह सी अपना चौथा प्रश्न। पंजवा है इस गलती की दा सदमा उसनूं सारी उम्र रहेगा। किहड़ी गलती सी? गलती का सदमा सारी उम्र रहेगा। किहड़ी गलती हुई सी? जदों रूस दे विच हो रहे दौड़ा हो रही सन मिल्खा सिंह दौड़ दे विच उन्हें पहला 200 मीटर की रफ्तार उन्हें महसूस किया कि मैं बहुत ही खतरनाक हद ते दौड़ रहा हाँ तो उन्हें अपने आप को थोड़ा जिहा हौली करना चाहिया। उहदी स्थिति ऐ हो गई सी जिवें तुरी जांदी गड्डी नूं आपां गेयर चों कढ दिंदे हां
ਉਹ ਗੇਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌੜ 'ਤੇ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਮਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਪਲਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਮਝੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਤੋਂ PDF ਮਿਲੂਗੀ ਧੰਨਵਾਦ।